Assalamualaikum and welcome to Family's Kitchen. आज बना रहे हम बहुत ही मजेदार सी क्रिस्पी सी चीजी और क्रीमी सी पेरी बाइट्स। बहुत ही इजी और सिंपल सी ये रेसिपी और खाने में तो बहुत ही मजेदार होती है। और इन्हीं पेरी बाइट्स के साथ हम रेडी करेंगे इसका बहुत ही मजेदार सा पेरी पेरी डिप। और इन पेरी बाइट्स को आप बनाकर इजीली स्टोर भी कर सकते हैं 20-25 डेज के लिए। और आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। दोनों ही तरह से बहुत ही मजेदार रेसिपी बनती है ये। तो किस तरह से हम ये पेरी बाइट्स रेडी करेंगे, तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं और उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम जितना ये बोनलेस चिकन। और इसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया था, आप लोग चाहें तो उसको क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, आप लोग टू टेस्ट ऐड करिएगा, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना इसमें ऑरिगैनो ऐड करेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे इसमें हम सोया सॉस। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे तकरीबन 25-30 मिनट्स के लिए, ताकि जितने भी स्पाइसेस हमने डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए चिकन के अंदर। तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब एक पैन में हम 2-3 टेबलस्पून जितना ऑयल लेंगे और जो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और अब इसको हम कवर करके लो फ्लेम पर रखेंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। तो 10-15 मिनट हो चुके हैं और चिकन भी हमारी यहाँ पर कुक हो चुकी है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने तकरीबन 1/4 कप जितना मेयोनीज लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना ये पेरी पेरी सॉस। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसको जो हमने चिकन रेडी की थी उसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है, इसको हम साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली है और इनको मैंने पानी में सिरका डालकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसके सेंटर में हम इस तरह से कट लगाएंगे और किसी भी स्पून की मदद से इसके अंदर जितने भी सीड्स हैं वो सारे हम रिमूव कर लेंगे। सीड्स हमें सारे अच्छी तरह से रिमूव करने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारे सीड्स को अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है। इसी तरह से बाकी मिर्चों के भी सीड्स को हम रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ हरी मिर्चों की डंडियाँ नहीं थी, तो मैंने जो वुडन स्क्यूअर होते हैं वो इसके अंदर इंसर्ट किया है, ताकि जब आगे हम कोटिंग करेंगे तो उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब इन मिर्चों को हम फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें मोजरेला चीज़ को फिल करेंगे और मोजरेला चीज़ को मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। और अब जो चिकन हमने रेडी किया था वो हम इसमें फिल करेंगे। बहुत ही चीज़ी सी और क्रीमी सी ये मिर्चें तैयार होती हैं और इसी तरह से हम सारी मिर्चों को फिल कर लेंगे। अब इन पेरी बाइट्स को हम कोट करेंगे। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले हम मैदे में इसको कोट करेंगे, फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। डबल कोटिंग के लिए हम इसको दोबारा से अंडे में डिप करेंगे और फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसकी सिंगल कोटिंग भी रख सकते हैं और चाहें तो ट्रिपल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो अब ये सारी पेरी बाइट्स कोट हो चुकी है और अब इसको हम 10-15 मिनट्स के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे। और अगर आप लोग इसको स्टोर करना चाहें तो इसी स्टेज पर इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी भी जिपर लॉक बैग में डालकर फ्रीज कर सकते हैं 20-25 डेज के लिए। और आगे रमज़ान भी आने वाले हैं, तो आप लोग चाहें तो उसको पहले से बना के स्टोर करके रख दें। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुके हैं और यहाँ पर ऑयल भी अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने। तो अब सारी पेरी बाइट्स हम एक एक करके इसमें डालेंगे और 4-5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप लोग चाहें तो एयर फ्रायर में भी इसको बना सकते हैं, दोनों में ही ये बहुत मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी रेडी होती है। तो यहाँ पर ये चिलीज़ गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और अब इसका हम बहुत ही मज़ेदार सा पेरी पेरी डिप रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितना केचप लिया है, 1/4 कप ही इसमें मैं मायो गार्लिक ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास मायो गार्लिक ना हो तो आप सिंपल मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मैं पेरी पेरी सॉस। पेरी पेरी सॉस भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप लोग कोई भी हॉट सॉस यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। 2-3 ये हैलापीनोस को मैंने चॉप कर लिया था तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसका जो पानी इसके अंदर होता है वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है इस सॉस में। आप पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और आप पिंच ऑफ ही ब्लैक पेपर इसमें ऐड करेंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इन पेरी बाइट्स के साथ ये सॉस।
बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चीज़ी एंड क्रीमी से हमारे ये पेरी बाइट्स रेडी हुए हैं। तो आप इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू एंजॉयड दिस रेसिपी लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कुक विद मी।